एक्वास्टार नहीं है क्या? कर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। जितने भी टूर ऑपरेटर और ट्रेवल्स के ड्राइवर हैं, उन्हें पूर्व सांसद विष्णुपद राय जी से बात करने के बाद इंटरव्यू दिया। उसमें उन्हें बताया कि कोरोना के हमले की वजह से टूरिस्ट अंडमान नहीं आ पा रहा, इस कारण उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जेब में पैसे नहीं, इसके बावजूद प्रशासन नए नए नियम निकालता है। सब चीजों को लेकर आरटीओ के डायरेक्टर और जितने भी ऊंचे पद के अधिकारी हैं, उनसे मांग की है कि उन्हें जो आराम दिया जाए। उस साल के लिए जीपीएस ट्रैकर का रेट कम हो जाए, लेकिन अभी जो है आरटीओ ऑफिस द्वारा उनसे 16,500 वसूला जा रहा है। आइए, अब हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो प्राइवेट जितने भी गाड़ियां हैं, टूर ऑपरेटर्स और ये जितने भी एसोसिएशन हैं, इन सबको मिलाकर जो है अनेक एसोसिएशन से जो है लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और इनका मुद्दा जो है, जैसा अभी हमने विष्णुपद राय जी से बात की थी और उन्होंने इसके बारे में बताया, तो पैनिक बटन और जीपीएस, इन सब को लेकर ही इन्हें काफ़ी परेशानी है, क्योंकि रेट्स काफ़ी ज़्यादा है और आरटीओ से जो है इन्हें ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इसे लगाया जाए। तो आइए अब हम इनसे बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। आज जो हम लोग जो डिमांड था, यहाँ पे जितना भी टूरिस्ट व्हीकल चल रही है, सारा एसोसिएशन का मेम्बर्स और प्रेसिडेंट सब खड़े हुए, सबका डिमांड है कि यहाँ पे आपका जीपीएस और पैनिक बटन लगाने के लिए। ये जो सिस्टम देखा है बहुत अच्छा है। हमारे ये जो बताया था कि ये हम लोग एक 5 जन का हम लोग टेंडर दिया हुआ है, तो उसी से जाके आप लोग खरीद के लगाना चाहिए। ये हम लोग जाके रेट पूछा था कि एक छोटा गाड़ी का 9,500 रुपया रेट बताया और उसका रिचार्ज जो है 3,500 रुपये बताया, और बड़ा गाड़ी का जो बताया था आपको 12,500 का जो रेट है, और उसके बाद पैनिक बटन इसका अलग है और उसका रिचार्ज उसका भी 3,500 रुपया। इस लोग हम लोग बहुत महंगा पड़ा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या किया, डायरेक्टर साहब से जाके मिला, तो बोले कि सर इस तरह सारा मैटर है, तो कानून कब लागू किया, तो बोला कि पहले से लागू है। सर इस टाइम में हम लोग ऐसा मुसीबत में, क्योंकि अभी फ्लाइट भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे, बहुत हम लोग कष्ट में हैं। लोन बांधना है, घर देखना है, परिवार देखना है, गाड़ी मेंटेन करना है, बैंक वाले डिमांड का मतलब उसका प्रेशर करते हैं। सो हर चीज़ को हम लोग लेके बहुत डिप्रेशन में पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता हम लोग का। रियल बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता। अगर हम लोग डायरेक्टर साहब से कुछ टाइम पूछे थे, तो हम लोग कुछ टाइम चाहिए लगाने के लिए। और एक बात, ये रेट है बहुत महंगा पड़ता है, ये भी मैटर बताया था। बोला कि सर ये सिर्फ 5 आदमी से लेने की टेंडर जिससे दिया, अगर कहीं बाहर से भी ले सकते। डायरेक्टर साहब ने बोला कि आप कहीं भी ले सकते हैं, मगर उसका अंडमान का परिवार उनके साथ में अप्रूवल लेना चाहिए। ये मैटर हम लोग बताया। अभी अप्रूवल चाहिए तो हर चीज़ में आप ऑनलाइन में छोड़ देते हैं, हर चीज़ को ऑनलाइन में छोड़ देते, तो ये चीज़ भी ऑनलाइन में छोड़ दीजिए। जैसा हम खरीदें अपना फिट करें, तो उसका ऑनलाइन में डायरेक्ट हम लोग रजिस्ट्रेशन कर दें, तो आपको भी पता चल जाए कि ये गाड़ी पास है। अगर पास नहीं है तो आपको सिस्टम खराब है, तो मैं दूसरा सिस्टम लगाएगा, ये दूसरा सिस्टम लगाएगा। वो बात नहीं कर रहे, नहीं वो आप उनके साथ में अप्रूवल ना, आपको अप्रूवल चाहिए ना, जीपीएस और पैनिक बटन चाहिए, ये मुझे पता चल। अगर वो चाहिए तो मुझे कुछ टाइम चाहिए, वो टाइम हमको देंगे तभी हम लोग लगा सकते, तुरंत लगा बोले से हम लोग नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम है। और इसको जो रेट का पीछे लेके हम लोग इतना, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन में हम लोग देखते हैं कि 1500 का सिस्टम है, तो 15,000-20,000 देके हम क्यों लगाना, ये लगाना बोल के इतना ज़बरदस्ती और हम लोग क्यों कर रहे हैं। आप लोग को डेडलाइन कब तक का दिया गया? डेडलाइन दिया था इसी महीना का 1 तारीख से स्टार्ट करेगा बोल के डेडलाइन दिया था। तुरंत हम लोग तुरंत ऑर्डर, सिर्फ 4 दिन में आपको ऑर्डर दिया था, 4 दिन में ऑर्डर दे के तुरंत ये अब 4 दिन में आप करना पड़ेगा, तो 4 दिन में आपका कैसा करेंगे, तो 4,000 गाड़ी है हर जगह में है, सबको एक ही टाइम में कैसा करेंगे। और एक बात है, छोटा सा हाईलैंड है, हाईलैंड छोड़कर तो हम लोग कोई स्टेट में जाने वाला तो नहीं है, हाईलैंड का अंदर ही है, और रोड भी एक ही सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे जाने, सिंगल रोड पे आने। अगर हम एक बात पूछते हैं गवर्नमेंट का तरफ से, आप अगर गाइडलाइंस देते हैं, क्यों नहीं एक पैनिक का बटन का जगह में तो आपका एक कॉल सेंटर नंबर दे दीजिए, गाड़ी के पीछे में चिपका दीजिए कोई हमका हेल्पलाइन नंबर छुपाया, और बार में सब जगह में कैमरा लगा था, हर सिग्नल का हमें, या सिग्नल लगा पड़ा मगर काम नहीं करता। देखिए, इससे पहले जो है जीपीएस
सॉरी, इससे पहले जो है स्पीड गवर्नर, उसके बाद ब्लूबर्ड स्टिकर, ठीक है, अब आ गया इनका जीपीएस ट्रैकर और पैनिक बटन। तो आपको देखिए, हर बार जितने भी डायरेक्टर आते हैं वो सब अपने अपने जो है नए जो भी बात है वो रखते हैं, और आप लोगों को जो है इम्प्लीमेंट कराना ही पड़ता है। और लेकिन अभी जैसा आप इसका जो है रेट बता रहे हैं 16,000 रुपया, ये ऑनलाइन इसका क्या प्राइस है, और आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो है तीन चार जन को इन्होंने ऑथराइज बनाया है उन्हीं से ही लिया जाए, और आखिर ऐसे क्यों? ऑनलाइन इसका आके अराउंड 1,500 रुपया से स्टार्टिंग है, और ये क्वालिटी होता है, अरे क्वालिटी होता है। जैसे कि आप एक वॉच ले लो 600 से लेके 6,000 रुपया तक है, तो 600 भी वही टाइम दिखाता है, 6,000 रुपया भी वही टाइम दिखाता है। तो हम ये चाहता है कि हम लोग ऑनलाइन मंगाएगा, अच्छा क्वालिटी मंगाएगा, जिसका 2,500 से 3,000 रुपया दाम है, और हम लोग एक्टिवेट उसका जो ऑनलाइन एक्टिवेशन कराता है साल का आके 380 रुपया। इन लोग जो 3,000 रुपया पूछ रहे हैं, 380 रुपया रिचार्ज का, ठीक है, रिचार्ज का 380 रुपया। अगर वही चीज़ अगर हम लोग, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक पोर्टल ऑन कर दो, ऑनलाइन पोर्टल, जैसे कि आपका कोई वैकेंसीज निकलता है तो आप ऑनलाइन पोर्टल खोल देता है, वही तरह हमारा आरटीओ से ये रिक्वेस्ट है, एक ऑनलाइन पोर्टल खोलो, हम में फीडबैक आपका जो जो टर्म्स रहेगा, जितना जो जो नंबर है इसका, ईएमआई नंबर है, जो भी एक्स वाई जेड रजिस्ट्रेशन व्हीकल नंबर, वो सब हम लगाएंगे उसमें। अगर आप एक्सेप्ट होता है तो हम वो चीज़ का एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो हम लोग वो चीज़ चेंज करके दोबारा अच्छा क्वालिटी का मंगा के डाल देगा। अब आपको जो है टाइम पीरियड चाहिए, तो आपको कितना टाइम पीरियड चाहिए आप इस लगाने? इन द सेंस हम आपको बता रहा है, लास्ट कोरोना से आके हर ड्राइवर हर ऑनर बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ बोलने से आप मानोगे नहीं। 6 दिन फ्लाइट चलता था, उसमें मारा मारी होता था, 4 दिन बंद होता था, उसके ऊपर से ये आपका साइक्लोन तो हम लोग ऐसा मारा कि जब फ्लाइट यहाँ चलने के टाइम में गेस्ट 6 दिन रहता था, वो टाइम साइक्लोन होता था, तो कोई काम नहीं चलता था, तो 1 साल हमारा टोटली वेस्ट हुआ है, प्लस लोन। उसके बाद बैंक वाला देखा कि कोरोना के बाद से बहुत जन लोन नहीं बांधा, बैंक वाला ने एक स्कीम ऑन किया कि चलो इनको और फंसाए, कि बुलाया, भाई आप टॉपअप ले लो, आपके गाड़ी के ऊपर हम लोग री लोन ले रहा है, आप टॉपअप ले लो, आपको कुछ मदद हो जाएगा। जैसे ही टॉपअप लेके 2-3 लाख टॉपअप लेता है, सडन से हम अगर 10-20,000 रुपये निकाले कुछ यूज़ किया, नेक्स्ट डे वो टॉपअप री लोन में माइनस कर देता है इन लोग, प्लस री लोन में माइनस करने के बाद में ये दोनों का हमको लोन और इंटरेस्ट भरना पड़ता है, वो एक हेडेक। सारा बच्चों का स्कूल खुला हुआ है, सीजन नहीं है, गाड़ी रुका हुआ है, प्लस ये स्पीड लिमिट गवर्नर जो हम लोग लगाने बोला था स्पीड लिमिट किलोमीटर, वो डब्बा आके 1,500 रुपया का है, सिर्फ पोर्ट में एक ही आदमी को टेंडर इन लोग दिया था शिवराम कॉम्प्लेक्स में। हम आपको बता रहे हो चीज़ का डब्बा चाहिए, हम आपको प्रूफ दिखाएगा कलकत्ता से लाके 1,500 का है, ये एक FM रेडियो का तरह है वो, ठीक है, वो काटा, वो लगाया, उसमें एक चिप बोलता है, कॉइल होता है, वो लिमिट को, स्पीड लिमिट को कम करता है वो, बस उतना ही है। उसका आके इन लोग 10,000 रुपया चार्ज करता था, प्लस इन लोग अभी एक चीज़ बना दिया कि साल रिन्यूअल करो, उसको साल रिन्यूअल करो 3,000 रुपया के लिए। उसमें रिन्यूअल क्या है, कुछ नहीं है, जाओ उसके पास, वो पेपर दो, सील मारता है, साइन मारता है, 3,000 रुपया दे दो, जाके वहाँ पे डाल दो, कहाँ पे, RTO में जमा कर दो, तुम्हारा फिटनेस होएगा। फिटनेस हमारा व्हीकल जितना है सब कमर्शियल है, प्लस हम लोग फिटनेस में जाते हैं, गाड़ी थोड़ा से भी एक लाइट नहीं जला, एक वाइपर ठीक से काम नहीं किया, उसको फेल करता है, ठीक है, चलो हम एक्सेप्ट करते हैं फेल करा, चलो ठीक है हमारा गाड़ी ख़राब है। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट फिटनेस में हम लोग 600 रुपया RTO को बांधता है, उसके बाद फेल करने के बाद में दोबारा 600 रुपया बांध के फिर हमको टाइम लेना, ऑनलाइन में पोर्टल में जाकर टाइम लेना, टाइम मिलता है हमको 4-5 दिन का बाद में, वो 4-5 दिन हम गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा को काम रहता है, अभी टूरिस्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो हम जो हर एक आदमी का अलग अलग डेट होता है फिटनेस का, वो हिसाब से देखा जाएगा, तो टाइम होने के बाद में चलान वाला चलान मारता है, आपका फिटनेस नहीं हुआ, वो सब प्रॉब्लम हम ही लोग का सर में, प्लस ये जो लिमिट दिया, हम लोग को टाइम लिमिट दिया हुआ है इसमें लगाना है, आप देखो गाड़ी डिगलीपुर में है, रंगत में है, नील में है, हैवलॉक में है, ये लोग क्या करेगा। हम क्या चाहता है कि हमको टाइम दो, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं बोलता हम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे, हम गवर्नमेंट का हर रूल फॉलो करेगा, हम नहीं बोलता है फॉलो नहीं करेगा, करेगा, लेकिन हमको टाइम चाहिए, टाइम इन द सेंस 1.5 से 2 साल का टाइम दो, क्योंकि अभी टूरिज्म स्टार्ट नहीं हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना पल्ला झाड़ रहा है, हम लोग किसी का कुछ नहीं सोच रहा है। आज तक कोरोना में ये 2 साल जो बंद था, एक व्हीकल को कोई व्हीकल ड्राइवर हो, व्हीकल ऑनर हो, किसी को भी 0% सब्सिडी नहीं मिला है, ना ही कहीं से मदद मिला है। नदीम जी, 1.5 से 2 साल को ज़्यादा समय नहीं हो गया भाई? अभी जो हम टूरिस्ट स्टार्ट होगा, इसलिए हम टाइम मांग रहे हैं, टूरिस्ट स्टार्ट होगा
पैसा आएगा, अब पैसा आएगा फिर हमारा जो लोन पैसा फंसा है वो उनको देगा, प्लस हमारे एजेंट के पास भी दुनिया का पैसा फंसा है। सब यही ड्रामा मार रहा है कि कोरोना हो गया यार, मेरा वहाँ फंस गया, टिकट में फंस गया, ये फ्लाइट बंद हो गया था उसमें परेशानी है। हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्यों? हमारा फ्यूचर है वो। अगर हम उसको धमकी देकर पैसा मांगेगा तो हमको पैसा भी नहीं मिलेगा, मेरा हाथ से काम भी चला जाएगा। तो हम लोग पोलाइटली में वो करना मांगता है कि भाई काम मिले, सब कुछ खुश रहे। इसीलिए गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट 1.5 साल का टाइम दो हमारे को, ये सीज़न जान दो, एटलीस्ट दिस सीज़न शुड गो, अगले सीज़न हम लोग लगा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इसके बारे में बताने के लिए। और जितने भी लोग यहाँ पर थे, देखिए सबको काफ़ी समस्याएं हैं, सब लोग ट्रैवल से जुड़े हैं और अनेक एसोसिएशन से हैं, लेकिन इनका यही कहना है कि GPS ट्रैकर और जो पैनिक बटन है ये लगाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफ़ी रुपया इनसे जो है ले रहे हैं। तो और इन्हें जो है अब जो है इसका रिलैक्सेशन चाहिए, टाइम पीरियड इन्हें थोड़ा बढ़ाना चाहिए, इनकी यही मांग है। और अगर इन केस ये चीज़ इम्प्लीमेंट किया गया है तो प्लीज़ आप लोग जो है इन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन दें, बस यही हम कहना चाहते हैं। और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक लेने वाला हूं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।